हाय गाइस, आई एम रेखा चौधरी फ्रॉम लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और गाइस, हमने आपके लिए उत्तराखंड सीरीज़ शुरू करवाई है, तो भाग दो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे से पढ़ी होगी। और गाइस, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चैनल को शेयर भी करें। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित कृषि है? झूमिंग कृषि किस जनजाति में प्रचलित कृषि है? ऑप्शन ए राजी, बी थारू, सी बुक्सा, डी भोटिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए राजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2004, बी 2005, सी 2003, डी 2006। तो इसकी स्थापना जो हुई है 2005 में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? ए मणिकूट पर्वत, बी क्रॉन्च पर्वत, सी नरनारायण पर्वत, डी हिमालय पर्वत। तो ये है हमारा क्रॉन्च पर्वत पर, और कार्तिक स्वामी का जो मंदिर है ये हमारा रुद्रप्रयाग जिले में है। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कोई कहता है कि ये चमोली में है, कोई कहता है रुद्रप्रयाग में। तो इसमें आप कन्फ्यूज ना होए, जो इसका राइट आंसर माना जाता है वो रुद्रप्रयाग में ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गूंठ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? गूंठ भूमि किस चंद शासक ने दान की थी? ऑप्शन ए सोमचंद, बी देवीचंद, सी बाज बहादुर चंद, डी उद्योचंद। तो ये की थी हमारे बाज बहादुर चंद ने, और कब की थी? 1673 में। गूंठ भूमि वो भूमि होती है जो दान में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? सोमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया था? ऑप्शन ए कल्याणचंद, बी भीष्मचंद, सी सोमचंद, डी अशोकचंद। तो ये किया था हमारा सोमचंद जी ने, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति मानी जाती है? ऑप्शन ए किरात, बी कोल, सी खस, डी फोटांतिक। तो सबसे जो प्राचीन प्रजाति है वो मानी जाती है कोल प्रजाति को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फांसी गदेरा किस जनपद में स्थित है? फांसी का गदेरा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, बी बागेश्वर, सी चमोली, डी रुद्रप्रयाग। तो फांसी का गदेरा जो हमारा है ये है दोस्तों नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मुद्राएं किस कुनिंद शासक की प्राप्त हुई है? सर्वाधिक मुद्राएं किस कुनिंद शासक की प्राप्त हुई है? ए अमोघभूति, बी शिवदत्त, सी कणाद, डी अगरजस। तो जो सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है वो हुई अमोघभूति प्रकार की। आप लोगों ने कुनिंद वंश में पढ़े होंगे, तीन प्रकार की मुद्राएं थी, अमोघभूति, दो चत्रेश्वर प्रकार की, तीन अल्मोड़ा प्रकार की। तो जो सबसे ज़्यादा पाई गई थी वो पाई गई थी अमोघभूति प्रकार की, और ये कैसी थी? रजत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए ललित देव, बी भूदेव, सी वसंत देव, डी निम्बर देव। तो जो कत्यूरी वंश की स्थापना का श्रेय जाता है वो जाता है वसंत देव को, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौबटिया उद्यान की स्थापना कब हुई थी? जो हमारा चौबटिया उद्यान है उसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1869, बी 1871, सी 1870, डी 1872। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए भारती चंद, बी कल्याण चंद, सी सोमचंद, डी बाज बहादुर चंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं? नायक जाति की उत्पत्ति का कारण माने जाते हैं
ए चंद सैनिक, बी चांदपुरगढ़, सी लंगूरगढ़, डी गुजड़ू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद सैनिक। और ये जो नायक जाति है इसकी उत्पत्ति भारती चंद के समय में हुई थी, और जो नायक जाति थी ये चंदों की अवैध संतान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय किसने कालू मेहरा को गुप्त पत्र लिखकर क्रांति में भाग लेने को कहा था? ऑप्शन ए शाहिद अली, बी गाजिब अली, सी वाजिद अली, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इन्हें गुप्त पत्र लिखा था वो लिखा था वाजिद अली ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता था, कुमाऊं का बेताज बादशाह माना जाता था। ऑप्शन ए हर्षदेव जोशी, बी विडम, सी रैमजे, डी ट्रेल। तो ये है ऑप्शन नंबर ए हर्षदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र पाल जोशी का संबंध है। ऑप्शन ए चित्रकार और शिल्प, बी साहित्य, सी संगीतकार, डी पर्वतारोही। तो ये सुरेंद्र पाल जोशी का संबंध जो है वो है चित्रकार और शिल्प से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए जोशीमठ, बी कार्तिकेयपुर, सी चंपावत, डी श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोशीमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी श्रीनगर, सी गंगोली, डी राजबुंगा चंपावत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजबुंगा चंपावत। ठीक है, जो कि राजबुंगा का किला किसका निर्माण किसने करवाया था? सोमचंद ने करवाया था। और गाइस इसमें कोई आता है कि राजबुंगा का जो किला है उसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है अंडाकार है। आप लोग लिख सकते हो, पेपरों में ये आ चुका है और आगे आने की भी संभावना है। ठीक है, इसका जो आकार है वो अंडाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल का सल्ट कहा जाता है। ऑप्शन ए गुजड़ू, बी डांडा मंडी, सी कालो डांडा, डी कोटद्वार। तो जो ये गढ़वाल का सल्ट माना जाता है वो माना जाता है गुजड़ू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और गाइस इसमें जैसे गढ़वाल का सल्ट गुजड़ू, ठीक है, तो इसी तरीके से आता है कि बताइए कि कुमाऊं का सल्ट किसे कहा जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि कुमाऊं का सल्ट किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का जिम कार्वेट किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे, बी ठाकुर दत्त जोशी, सी हर्षदेव ओली, डी हेनरी रैमजे। तो ये माना जाता है ठाकुर दत्त जोशी को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी टिहरी, सी पौड़ी, डी अल्मोड़ा। तो अंगाली मठ जो हमारा टिहरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में योग नगरी कहा जाता है। ऑप्शन ए ऋषिकेश, बी श्रीनगर, सी पौड़ी, डी देहरादून। तो ये माना जाता है ऋषिकेश को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेज जो हमारे स्थित है वो है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर में पूजा होती है। ए काली माता, बी दुर्गा माता, सी लक्ष्मी माता, डी गौरी माता। तो जो प्रसिद्ध धारी देवी का मंदिर है उसमें काली माता की पूजा होती है, और ये जो प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर है ये हमारा श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने कराई थी। ए भवानी सिंह रावत, बी श्रीदेव सुमन ने, सी मोहन सिंह मेहता ने, डी मुकुंदलाल ने। तो इस करवाई थी भवानी सिंह रावत ने। तो गाइस मैंने आप लोगों को आसानी क्वेश्चन दिया हुआ कि कुमाऊं का सल्ट किसे कहा जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।